आपकी गूगल वेब स्टोरीज गूगल सर्च कंसोल पे इंडेक्स नहीं हो रही है, गूगल पे इंडेक्स नहीं हो रही है, कस्टम जावा स्क्रिप्ट का एरर आ रहा है। अगर आ रहा है तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर और जल्दी से इस इशू को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और लैपटॉप स्क्रीन पर चलने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको पहले से मिल सके, क्योंकि ये चैनल अब धीरे धीरे ज़्यादातर कंटेंट आपको इसी से रिलेटेड पहुंचाने वाला है। तो बहुत छोटा सा इशू है, रिसेंटली मुझे एक इंस्टाग्राम पर एक यूज़र ने मुझे कमेंट किया था, मुझे मेल भेजा था और उसके बाद मुझे मैसेज भी किया था कि भाई ये इशू आ रहा है, मेरा यूज़ प्लगइन पर है, रैंक मैथ पर है, फलाना 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 फलाना। तो आज इशू को सॉल्व करेंगे, वीडियो छोटी सी होने वाली है तो एंड तक देखना, अदरवाइज आप सीख नहीं पाओगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो गाइस आ गए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेम एरर मेरे पास आया था, कस्टम जावा स्क्रिप्ट नॉट अलाउड, और ये आया था 6/7/2022 को यहाँ पे। फिर मैंने इसको तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि आने वाले टाइम में मैं इस स्क्रीनशॉट को यूज़ कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस दिक्कत आई है और मैंने काफ़ी मेहनत के बाद इस दिक्कत को सॉल्व किया है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड खोल लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लॉगिन कर लेता हूं अपना जल्दी से। यहां पे मैं इसको हाइड कर दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग स्पैम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा। यहां पर सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको यहां पे 3 प्लगइन डाउनलोड करने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो आपको ये देखना है कि आपने AMP अपनी वेबसाइट पर लगा रखा हो, क्योंकि ये कस्टम जावा स्क्रिप्ट का एरर इसी की वजह से आता है। अगर आपने AMP नहीं लगाया है तो आप AMP लगा सकते हो। यहाँ पे आपको प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लगइन लगाना है अपने उसमें WP रॉकेट का, ठीक है। ये सबसे मेन प्लगइन है आपका, इसमें जो काम आने वाला है कस्टम जावा स्क्रिप्ट नॉट अलाउड का यूज़ करने में। दूसरा प्लगइन है आपका WP एक्सप्रेस, ठीक है। दूसरा प्लगइन आपका ये है, ये भी ये फ्री प्लगइन आपको आराम से मिल जाएगा। तीसरा जो प्लगइन है आपका वो है यहाँ पे AMP। ये आपको पहले करना है, ये कैसे बनाना है, कैसे कस्टमाइज करना है, क्या करना है, कैसे सेटिंग करनी है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और बहुत सारी वीडियोस पड़ी भी है यूट्यूब पे, आप वो भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं भी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आसानी से आप इसको कर सको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे WP रॉकेट वाले प्लगइन पे आना है, सेटिंग्स खोल लेनी है इस प्लगइन की। सेटिंग्स खुलेगा कुछ इस तरह से, डैशबोर्ड आएगा आपका। डैशबोर्ड में आप यहाँ पे देखेंगे फाइल ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल ऑप्टिमाइजेशन में दो ऑप्शन दिखा रहा है, CSS फाइल और जावा स्क्रिप्ट फाइल। जब आप इसको तुरंत डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे तो ये तीन जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसमें टिक नहीं होगा, आपको ये तीनों ऑप्शन टिक यहाँ पे इसको जो है लोड करना है, ठीक है। इस पे तीनों पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद जावास्क्रिप्ट वाले पोर्शन पे आएंगे, यहाँ मिनीफाई पे क्लिक करेंगे, मिनीफाई जावास्क्रिप्ट फाइल्स, कंबाइन पे क्लिक नहीं करेंगे, इसको मत क्लिक करिएगा नहीं तो आपकी वेबसाइट बहुत देर में लोड होगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे आ रहा है ऑप्टिमाइज CSS फाइल, इस पे क्लिक करेंगे और इसको करने के बाद रिमूव अनयूज्ड CSS को क्लिक कर देंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, रिमूव अनयूज्ड CSS कंप्लीट, ठीक है। जब ये आप कर देंगे उसके बाद यहाँ पे मिनीफाई जावा स्क्रिप्ट पे ऑप्शन आएगा, इसको जरूर ऑन करना है। ये आप ऑन करेंगे आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी। इसको ऑन करने के बाद लोड जावा स्क्रिप्ट इस पे क्लिक करना है, उसके बाद डिले पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे सेव चेंज कर देंगे, ठीक है। सेव चेंज करने के बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आप दूसरे प्लगइन पे आएंगे अपना, जो आपका वेब पी प्रेस वाला है। ये क्या करता है, ये आपके जो भी इमेज फाइल्स होता है उसको जो है कम फॉर्मेट चेंज करके उसका जो साइज होता है उसको कम कर देता है। तो ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि वेब स्टोरीज में ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम इमेजेस की यूज करते हैं, वीडियोज का यूज करते हैं, तो वो जब तक वो लाइट नहीं होंगी ना तो वो कस्टम जावास्क्रिप्ट का एरर क्रिएट कर देगा। ये आपके सर्वर पे भी होता है और समटाइम्स क्या होता है कि आपका सर्वर ही जावास्क्रिप्ट अलाउड नहीं करता है। तो अगर आपके पास सर्वर की इशू आ रही है, आपने ये तीनों प्लगइन डाउनलोड कर रखे हैं तब भी इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप अपने सर्वर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, होस्टिंगर, गोडैडी, जो भी हो उनसे कॉन्टैक्ट करके आप बोल सकते हैं कस्टम जावास्क्रिप्ट का मेरे पास ये एरर है, तो वो होस्टिंग से भी उसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सर्वर ले रखा है। तो यहाँ पे ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है,
सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक वहां पे एक्सटेंशन चूज कर लेना है कि कौन सा एक्सटेंशन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोथ जेपीईजी फाइल और पीएनजी फाइल को मैंने कर रखा है, सीधे उसको वेब पे कन्वर्ट कर देंगे। और ये आप वैसे सर्वर पे जाकर भी कर सकते हो, लेकिन ये प्लगइन के थ्रू काफी आसानी से हो जाता है। दूसरा आपको यहाँ पे ग्राफिक मैजिक्स करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो ये मिल जाएगा। दोनों एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो कन्वर्जन मेथड के लिए। आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे फाइल को सेव कर लेना है, ठीक है। फाइल को सेव करने के बाद तीसरा ऑप्शन, अगर आपको खाली वेब स्टोरीज में ये दिक्कत आ रही है कस्टम जावास्क्रिप्ट नॉट अलाउड की, तो आपको ये स्टोरीज वाले ऑप्शन पर जाना है, इसके सेटिंग्स में जाना है। और अगर आपने वेब स्टोरीज का ये प्लगइन नहीं लोड किया और ये इशू आ रहा है आपका आर्टिकल्स में या फिर ब्लॉग पोस्ट में आपका ये इशू आ रहा है, तो ये भी इशू आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से इन्हीं मेथड्स की वजह से। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर स्पेशली वेबसाइट्स पे आ रहा है, इस पे वेब स्टोरी पे आ रहा है, तो आप इसको इसी तरह से ठीक करेंगे, ये 100% काम करेगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वेब स्टोरी इंडेक्स हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आएगा इस तरह से कुछ आपका सेटिंग्स का यहाँ पे डैशबोर्ड खुलेगा, यहाँ पे आपको इसको चेक करना है, ठीक है। अगर आप वीडियो यूज करते हो अपनी वेब स्टोरीज में तो आपको ये इस पे भी क्लिक करना है। मैं उसको यूज नहीं करता हूँ तो मैं इसको नहीं यूज करता हूँ, तो मैं इस पे अनटिक कर दूंगा, ठीक है। इस पे आकर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा सेटिंग्स को सेव कर देना है। ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा जैसे आप क्लिक करेंगे उस पे। बस इतना सा काम आपको करना है। दूसरा चलते हैं जरा सर्च कंसोल पे और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है, सर्च कंसोल काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि ये काफी पहले का है। ये देख सकते हैं आप 6/7/2022 का आर्टिकल है ये, ठीक है, जो आया है मेरे पास 6/7/2022, यानी एक साल पुरानी बात हो गई है ये। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने वेब स्टोरीज अपनी ये बना रखी थी, ये इंडेक्स नहीं हो रही थी जब मुझे ये एरर आया था। तो यहाँ पे मैं इसको जरा खोलूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा जाके वेब स्टोरीज का, देखते हैं कि अभी ये क्या पोजीशन है मेरी वेबसाइट की, अभी इंडेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा टाइम ये ले लेता है। देखिए URL is on Google, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे कोई भी AMP का एरर नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे AMP is valid दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे AMP का कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है सिर्फ इन तीन प्लगइन्स की वजह से, और यही प्लगइन आपका काम आएंगे। हालांकि ये WP Rocket प्लगइन जो है ये प्रीमियम प्लगइन है, ये आपको परचेस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं परचेस करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेरे कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं ये बता दूंगा कि आपको ये सस्ता कहाँ मिल सकता है, फ्री में कहाँ मिल सकता है। तो ये थी वीडियो, इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इस इशू को सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी इशू है ये कस्टम जावा स्क्रिप्ट वाला, ये 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में मुझे गालियां दे सकते हो, और अगर नहीं देना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके अपने स्क्रीनशॉट भेजकर अपना इशू सॉल्व भी करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो का वेट करो। बाय।